नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ आलोक। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों को अब सरकार धीरे धीरे उनके घर वापस भेज रही है। वहीं जिला उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर उत्तराखंड परिवहन निगम की 16 बसें पहुंची और बसों के जरिए अन्य राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर पहुँचाया गया। बता दें कि चंडीगढ़ और देहरादून में फंसे हुए लगभग 400 लोगों को बसों द्वारा उनके जिलों तक पहुंचाया गया। धर्मपुर चौकी इंचार्ज ने बताया कि इन 16 बसों से चंडीगढ़ और देहरादून से लोगों को लाया जा रहा है और एक बस में लगभग 25 यात्रियों को बिठाया जा रहा है, जिसके बाद इनकी जांच कर इन्हें घर भेजा जा रहा है। ये आज चंडीगढ़ से अभी 16 बसें जा रही हैं और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रही हैं सबकी सब, और एवरेज सब में 25 से 30 सवारियां बैठी हैं टोटल। अब 16 बसों में अलग अलग एवरेज वही है, किसी में 27, किसी में 30, किसी में 28 ऐसे बैठी है। एक स्कूल बस है देहरादून से आ रही है और इसमें बच्चे जो वहाँ अभी लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे उनको लेके आए हैं। आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में रह रहे जनपद पौड़ी के प्रवासी ग्रामीण अपने अपने गांव लौट गए। प्रशासन ने हरिद्वार में सभी लोगों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें पौड़ी जनपद के लिए रवाना किया। प्रशासन ने उन्हें जिले के 3 जिलों में अलग अलग बसों से रवाना किया। हरिद्वार प्रशासन ने चंडीगढ़ से पहुंचे 484 लोगों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें 25 बसों में पौड़ी जिले के लिए रवाना किया। यहाँ जिला प्रशासन ने श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार में लोगों की स्क्रीनिंग और कम्युनिटी सेंटर में ठहरने की व्यवस्था की। जिले में पहुँच रहे लोगों में 8 बसों में 167 लोग कोटद्वार, 8 बसों में ही 160 लोग पौड़ी और 9 बसों में 157 लोग श्रीनगर पहुंच गए। डीएम धीराज सिंह गरब्याल ने बताया कि चंडीगढ़ से लौट रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटाइन किया जाएगा। ये चंडीगढ़ से हैं, उत्तराखंड के लोग आए हैं, कुमाऊँ और गढ़वाल के लोग हैं और इनको लगभग 27 बसों से यहाँ इनको ब्लॉक और तहसील वाइज क्लासीफाई करके अलग अलग और इनको इनकी स्क्रीनिंग करके पर्याप्त इनकी स्वास्थ्य की जांच करके डॉक्टरों ने यहाँ के टीम ने मेडिकल की टीम ने जांच किया और उन पर मुहर भी लगाया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सबकी स्क्रीनिंग की गई है और उनको बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। पौड़ी का मूवमेंट प्लान था और इसमें चंडीगढ़ से जितने यात्री आए थे लगभग 458 इनको पौड़ी के विभिन्न ब्लॉक के हिसाब से इनको भेजा गया है। बेसिकली यहाँ से उनको 3 सेंटर पर ले जाया गया है, एक श्रीनगर, एक कोटद्वार और तीसरा पौड़ी। पौड़ी सेंटर पर इनको सेग्रीगेट किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा और उसके बाद रूट चार्ट के हिसाब से इनको इनके गंतव्य तक छोड़ा जाएगा। इसका पूरा एहतियात जिला प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है वहाँ, और जितने भी व्यक्ति प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं तो स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए। संजय, हरिद्वार में सभी लोगों की स्क्रीनिंग के बाद पौड़ी जनपद के लिए फिलहाल रवाना किया गया है, किस तरीके के वहां पर इंतजाम किए गए, कहां कहां से लोग भेजे जा रहे हैं? आलोक, आपको बता दे ये लॉकडाउन का तीसरा चरण है और तीसरे चरण में कुछ राहत मिली है और इसमें सरकार द्वारा कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिस तरीके से लोग जगह जगह उत्तराखंड वासी थे जो कई जगह फंसे हुए थे उन्हें तो उत्तराखंड वापस लाया जा रहा है। इसमें हरिद्वार लाया गया है इन लोगों को और हरिद्वार से अलग अलग जनपदों में रवाना किया गया है। हालांकि इनकी खाने पीने की व्यवस्था के बाद इनकी स्क्रीनिंग भी की गई है और इन्हें स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी की है और पूरी तरीके से इनकी जांच के बाद इन्हें अलग अलग जिलों में रवाना किया गया है। जी आलोक जी, फिलहाल अगर बात करें तो सेंटर्स, क्वारंटाइन सेंटर वगैरह कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं, किस तरीके के वहाँ पर इंतजाम देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो जिस तरीके से हरिद्वार बॉर्डर है, नारसन बॉर्डर है, हालांकि जो हरिद्वार में कई इस तरह के क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जहां लोग आते हैं और बसों के द्वारा लोगों को लाया जाता है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की जाती है, फिर उन्हें मेडिकल चेकअप के बाद पूरी तरह चेक किया जाता है और फिर अलग अलग बसों द्वारा अलग अलग जिलों के लिए रवाना कर दिया जाता है। हालांकि अगर कोरोना के मद्देनजर पूरी व्यवस्था यहाँ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिखाई दे रहा है और पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है, किसी तरीके से यहाँ पे ऐसा मामला है जो पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो संजय हमारे संवाददाता जुड़े थे जो कि बता रहे थे कि फिलहाल 8 बसों से 160 लोग पौड़ी और 9 बसों में 157 लोग श्रीनगर फिलहाल पहुंच गए। डीएम धीराज सिंह कबरलाल ने बताया कि चंडीगढ़ से लौट रहे सभी लोगों को स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटाइन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर में लागू लॉकडाउन में प्रवासियों के घर पहुंचने की मुहिम तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के 320 मजदूरों ने टिहरी में चंबा नगर पालिका कार्यालय में अपने घरों पर जाने को लेकर के रजिस्ट्रेशन कराया। नगर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी कृष्ण प्रसाद सेमवाल ने बताया कि नगर क्षेत्र चंबा में जो बाहर से मजदूर कार्य करने आए थे उनके द्वारा अब देश में लॉकडाउन होने पर अपने घर जाने के बाद नगर पालिका में अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया। उन्होंने बताया कि इसकी सूची जिला प्रशासन को भेजी गई है। बिहार के लिए अच्छा सहरसा जिला हाँ। यहाँ आया नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन करना कराने के लिए। घर जाने चाहता हूँ, यहाँ मजदूरी करता था, उसके बाद दिक्कत हो गया, लॉकडाउन हो गया, क्या करूँ, इसीलिए घर जाने चाहता हूँ। काम चल नहीं रहा, मैं अपने सरकार से जी करता हूँ सो अपने घर ले जाऊँ, इसीलिए रजिस्ट्रेशन नगर पालिका में कराने आया हूँ। क्षेत्र में रह रहे ऐसे प्रवासी मजदूर जो अपने अपने घरों को लौटना चाहते हैं उनकी सूची प्रशासन के निर्देशानुसार पालिका स्तर पर तैयार की गई है। प्रथम सूची में बिहार राज्य के 260 तथा उत्तर प्रदेश राज्य के 60 मजदूरों की सूची जिला प्रशासन को दी जा चुकी है। शेष सूची अभी तैयार की जा रही है, जैसे ही तैयार होती है तुरंत प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। तो लगातार जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर्स में भी इंतजाम किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से लोगों से लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि 17 मई तक अभी पूरे देश में लॉकडाउन है और अभी भी रियायतों के साथ जो है वो सशर्त खोली जा रही है छूट, जहां पर बहुत ज़रूरी है। तो आगे आएंगे, रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, बात करेंगे हरियाणा की प्राइवेट कंपनी की, जहां पर काम करने वाले मजदूरों को कंपनी द्वारा निकाल दिया गया, जिसके बाद सभी मजदूर बेरोजगार के साथ बेघर हो गए और वो मजबूरन पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। हरियाणा से निकलकर किसी तरह मजदूर लक्सर के बालावाड़ी तक पहुंचे। 4 दिन से भूखे इन प्रवासी मजदूरों को इस लंबे रास्ते में खाना तक नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मजदूर बालावासी पहुंचे तो वैसे ही उत्तराखंड पुलिस ने मजदूरों को डंडे से मारने के साथ ही गाली गलौज की। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि वो 40 लोग हैं जो हरियाणा से अपने घर जा रहे हैं और उनके पास पैसा खत्म हो गया और वो 4 दिन से भूखे हैं, लेकिन जैसे ही वो लक्सर के बालावाड़ी बॉर्डर पर पहुंचे वो पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। हम लोग घर जाना चाहते हैं, हमें वहाँ से खाने पीने की दिक्कत हुआ, हम लोग फैक्ट्री में काम बंद हो गया, पैसे खत्म हो गए, हम लोग घर जाना चाह रहे हैं। हम लोग के साथ में बहुत सारे आदमी इधर है, पीछे भी सर देखिए उधर भी है, हम लोग भाई लोग है उधर भी है, 40 आदमी हम लोग चले थे ताकि हम लोग अपना घर पहुँच जाए पैदल। हमें सर जी उधर कोई नहीं रोके, पुलिस वाले भी मिले भी बॉर्डर पर, बोले सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की दूरी बना के चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जाओ अपना घर जाना चाहते हो तो खाने की दिक्कत नहीं है। उधर भी क्वारंटाइन में पूरा आदमी भरा पड़ा है, हम लोग सर घर जा रहे हैं। और उत्तराखंड बॉर्डर पर जब हम गए तो वहाँ पर हम लोग को रोक दिया गया, जो वहाँ के बड़ा बाबू है माँ बहन को भी गाली दी है हम लोग को। जब सर हम ये कहना चाहते हैं सरकार जब हमारी कोई मदद नहीं कर रही है ना हमको छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है तो किस आधार पर हमको यहाँ रोक रहे हैं लोग? सर हमें यहाँ भी परेशान कराया जा रहा है, ना बॉर्डर पास होने दे रहे, अगर नहीं जाने देते तो वहाँ बॉर्डर पर हमको रोक देते, हम वहीं भूखे मरते। और यहाँ बार बार दर्द ठोकर खा रहा है सर, इसमें हम लोग कुछ मदद कीजिए, हम लोग घर छोड़े या तो हम लोग कहीं विस्तार सेटिंग करवाइए कि हम लोग वहाँ रहे। कुछ भी नहीं था और भी, इसलिए हम वहाँ से चले आए, अरे रास्ते में कोई नहीं रोका, अगर रोका होगा तो हम वहीं पर ठहर गए होते हैं, कहीं उधर भी कुछ नहीं रुके, वहाँ से खदेड़ दिए एकदम बॉर्डर पर गए, बॉर्डर पर से फिर वापस वहाँ से खदेड़ दिए, 2 दिन रखे खाना खिलाए, बोले भाग जाओ उधर जलाओ जब थी लक्सर जाओ वहाँ पर व्यवस्था है तुम लोग को, लक्सर आके ट्रक जहाँ खड़ी है पूरी वहाँ पर रुके थे आधा घंटा तक, वहाँ से पुलिस वाले खदेड़ दिए तो आके स्टेशन रुके, पूरा पैर में छाला पड़ गया, पानी रोके चलते। कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
उत्तराखंड और बाहरी राज्यों से रुद्रप्रयाग आ रहे लोगों के लिए जिला प्रशासन ने गुलाब राय मैदान में स्वास्थ्य परीक्षण स्क्रीनिंग सेंटर खोल दिया, जहां जिले की चारों तहसीलों के अलग अलग बेंच बने हैं। बाहर से जनपद में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन करने की सलाह दी जा रही है। रुद्रप्रयाग में 3 मई के बाद करीब 50 से अधिक लोग आ चुके हैं, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण के बाद डॉक्टरों की सलाह पर क्वारंटाइन किया जा चुका है। विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि जनपद में आने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और क्वारंटाइन की पूरी व्यवस्था की जा रही है। भी प्रवेश द्वार हैं, चाहे वो कलियासौड़ हो, चिरबटिया हो, वहाँ पे चेक नाके बने हैं, वहाँ पे चिकित्सा विभाग की टीम है और सभी लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आने वाला है बिना जांच के जिले में उसका प्रवेश न हो। वहाँ पे जो पुलिस की टीम है, जो चिकित्सा विभाग की टीम है, वो ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी व्यक्ति बिना जांच के सीधा प्रवेश न कर सके ज़िले में, और जिसमें भी किसी तरह की कोई शंका, किसी तरह के कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं उसको तुरंत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। टिहरी में टैक्सी चलने के मानकों को लेकर चंबा नई टिहरी टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने एक बैठक की। ये बैठक टैक्सी यूनियन कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 17 मई तक रोटेशन पूरी तरीके से बंद रहेगा। कहा गया कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, सभी टैक्सी चालक उसका पालन करें। टैक्सी यूनियन के सचिव अनिल बेलवाल ने कहा कि टैक्सी चालक क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं और बुकिंग होने पर किसी से फालतू किराया ना लें। एक कार्यकारिणी की एक सूक्ष्म बैठक रखी है सोशल डिस्टेंस को पालन में रखते हुए, और इसमें निर्णय लिया गया है कि 17-5 तक जो है हमारा संपूर्ण रोटेशन बंद रहेगा, और किसी भी वाहन स्वामी को अगर क्षमता से 50% कम पे अगर सवारी लेके कहीं बुकिंग में जाना है वो जा सकता है, और किसी भी सवारी से ज़्यादा किराया न ले, पूर्व में जो हमारा निर्धारित किराया है उसी किराए में जो है वाहन चलाएँ। नई टिहरी में भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्र नगर राजमहल में टिहरी सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह की अगुवाई में सुहागिनों ने तिलों का तिल पिरोया। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया गया। शाम 6 बजे तेल कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई। यात्रा का पहला पड़ाव चेला, चेतराम, धर्मशाला, ऋषिकेश है। राजमहल में राजपुरोहित संपूर्णानंद जोशी, आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल और पंडित हेतराम ने विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराई। इसके बाद सुहागिनों ने सादगीपूर्ण वातावरण में भगवान बद्री विशाल के अभिषेक को तिलों का तिल पिरोने की रस्म शुरू की। शाम 6 बजे श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के 5 सदस्य तेल कलश को लेकर 2 वाहनों से बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। महल में यहाँ पे भगवान का तिलों का तेल सुहागिन महिलाओं के द्वारा पिरोया जाता है, और जो तेल कि हम भगवान का जो अभिषेक होता है बद्रीनाथ धाम में, जब पट कपाट खुलेंगे अभिषेक का जो होता है उसमें उसका लेपन किया जाता है, तो इसी उसमें आज हम शाम तक यहाँ पे हमारा भगवान का वो तेल पिरोया जाएगा। उसके बाद भोग व्यवस्था होगी, हम लोग भगवान का भोग बनाएंगे, राजा का भोग लगाएंगे, गाड़ू घोड़ा का पूजन होगा। उसके बाद सायंकालीन हम यहाँ पे ऋषिकेश में जो हमारा चंद्रभागा बद्रीनाथ मंदिर समिति का गेस्ट हाउस है वहाँ पे रात्रि विश्राम करेंगे, और उसके बाद 6 तारीख को हम सुबह पूजा भोग उपरांत के उपरांत अपने डिम्बर गाँव, जो कि डिमरिया